रेड किंग छोटा सा है बट भाई बिल्कुल गेट में को टक्कर मार रहा जैसे कि जी गेट फाड़ देगा बस रेड किंग बस देख लो भाई की हिम्मत 900 किलोमीटर दूर रेड किंग का पप्पी लेने के लिए आए भाई भगाओ सारे के सारे मिलकर गली में मेरी बैंड बजाने वाले। सो ये गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस आज थोड़ा जल्दी उठ गया, थोड़ा क्या ज्यादा जल्दी उठ गया। एक भाई आने लग रहे पप्पी लेने के लिए भोपाल से, उन्हें लेने चलता हूँ स्टेशन पर। रोक्सी चला मेरी गल, रोक्सी तो दंगा कर रही। और गाइस ये बैठा हमारा रोकू, ये रही हमारी जूली, ये रही हमारी चिंकी मिंकी, सारे के सारे एक साथ ही सोए। फाइनली मिल गया भाई। तो भाई सभी रास्ते में बॉबी डोन के पास आ गए। अरे चुप हो जा, ये तो भाई आते दोनों दोनों एग्रेशन करने लगे। बिल्कुल चुप, भाई की शुरुआत यहीं से ही करते डॉग्स दिखाने से। और गाइस दोनों के दोनों आज आपस में एग्रेशन कर रहे। अरे रहने दे आपस में बजवाऊंगा कि पीछा कर ले। और गाइस आज इनमें से कोई सा एक चला जाएगा, या तो मेल या फिर फीमेल, दोनों का बहुत ही कड़ा एग्रेशन होगा कल से। देख लो भाई सारे में कैसे पंजों के निशान छप गए। साले को बम से उड़ा दूंगा। आते ही हमारी रोक्सी मिलेगी, रोक्सी चेक कर रही। देख लो भाई रोक्सी को कितने ज्यादा प्यार से मिल रही। पहले तो एग्रेशन करा करती बट भाई अब तो जो कोई भी आवे घर पे सबसे बहुत आराम से मिले। सिम्बा भी आ गया, कुको भी आ गए, सारे के सारे आ गए। रोक्सी भोकरी कोको को, अरे मेरे तो ना मिलो भाई, तो मिलो भाई, आ रहे घनी दूर थे। जा लिए सारे के सारे, रोक भी जा लिया। कुछ नहीं कहने के रोक नु कह रहा बार बार, बोल उतार दो, अच्छे बोल उतार दू, लगाऊ भाई ग्रिप लगवाऊ। चलो भाई चलो लग जाओ, लगा लो दोनों को दोनों। थोड़ी बहुत देर ग्रिप लगा लेंगे, सर्दी हो रही, जाडा सा तार लेंगे अपना। अभी तो दोनों के दोनों आपस में टक्कर मार रहे, इनके हाथ नहीं लगी बोल, पकड़ ली रोकना पकड़ ली। और गाइस ने देखो तीनों के तीनों मेल पप्पी एक साथ घूम रहे, उन्होंने वहां पे ग्रिप लगा रखी, इनकी ग्रिप हटवाता हूँ। कोको मान जा, काफी देर से लगी पड़ी, फाइनली ग्रिप हटवा दी। और गाइस कैसा कैसा हटवाई मुझे ही पता। रोको मान जा, रोक का बच्चा बार बार उतार ले, रोको नो मान जा। एक बार हाथ में आ जाए तो बस आराम से बैठ जाए पप्पीज के पास। पैर मोड़ चोट लगवा ली, देखना भाई खून निकल रहा पैर में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ब्लैकिंग की कर तुम, देखना कैसा करेगा। ले सब्सक्राइबर भी आगे मिलने के लिए, क्या नाम है? अरे तेरा भाई, तेरा नाम क्या है तेरा? अरे तेरा भाई अच्छा बार अपना छोटा पैक हटारा। और गाइस हमारा रेड किंग एग्रेशन कर रहा है इसके ऊपर, आजा रुको आजा अंदर आजा। और गाइस मैंने एक चीज देखी, हमारे रेड किंग के अंदर ज्यादा गुस्सा है, ब्लैक किंग फिर भी थोड़ा शांत है बट भाई रेड किंग तो पूरा गुस्से है। देखना भाई कैसा घूर रहा है इसकी तरफ को, डर भी पूरा रहा, अटैक भी पूरे कर रहा, इसे पता सामने वाला मेरे से बड़ा है, दो दगा। बट भाई हमारा छोटा पैकेट बिल्कुल सीधा है, पप्पी इसके ऊपर अटैक नहीं करता। ओए पप्पी तू तो मान जा नहीं। और गाइस हमारी कोको इतनी पागल है, शाम तक भी इस बोल को देख सके, बार बार मेरे पास आ रही, नू कह रही बोल को उतार दे, कोको बोल उतार दू, रहा नहीं जाता। और गाइस रेड किंग बार बार इसे छेड़ रहा, मुझे लग रहा गड़बड़ हो सके, रेड किंग अपना साइज भी नहीं देख रहा, छोटा पैकेट इससे काफी बड़ा बट भाई फिर भी पूरा झटपटा रहा। बस रोक के साथ दोस्ती है और बाकी सभी के ऊपर एग्रेशन करे। रेड किंग छोटा सा है बट भाई पीछे नहीं हट रहा, बस बस बस। और गाइस अगर छोड़ देना तो भाई हो जाएगा पड़े, छोटा सा खत्म। तो गाइस अभी सारे के सारे पप्पी से एक जगह पे जाकर बैठ गए, छोटे पैकेट के साथ सभी का रोला हो गया था। पहले तो रेड किंग के साथ एग्रेशन करवा रहे थे बट भाई अब आके सारे के सारे करंट में आ गए थे, गैंग बना के बैठ गए, इन्हें कह रहे हिम्मत है तो अब आ। हाँ भाई छोटे पैकेट जा चला जा नहीं। तो गाइस अभी बाहर चिंकी मिंकी खड़ी, रेड किंग ने दोनों को भगा दिया, दोनों को धमकान लग रहा, इन्हें कह रहा मेरा इलाका है यहाँ आओ, बिल्कुल गेट में को टक्कर मार रहा जैसे कि जी गेट फाड़ देगा। बस रेड किंग बस बस शांत हो जा, तेरे घर में ना आ रही वे, आ जा शांत हो जा। ओ भाई साहब सामने से भाई भी पैर पिटन लगी, बस शांत हो जा, एक बार हाथ में आ जाए तो। और एक ही ना देखो दोनों को, इन्होंने ग्रिप लगा ली, रोक ना बोल उतार दी, कोको हमारी तुरंत चिपक गई। तो गाइस अभी रोक को भेज दिया बाहर, और गाइस कोको को पीछे से छोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या करे, एक दो बार उड़ छोड़ दूंगा। दो फैर होगी, सारे के सारे डॉग्स नोट लगा रहे, ये रही हमारी रोक्सी, वो रहा हमारा रोकू, और ये रे पिल्ले वाले भाई, नाम तो बता दो पब्लिक को पढ़ा। ध्रुव राठी। A few inches later. तो गाइस शाम होगी और गाइस भाई का भी जाने का टाइम हो गया और हमारे किंकी टेल का भी जाने का टाइम हो गया। चल दिया हमारा किंकी टेल नए घर, अब भाई रस्ते में से एक बार बास्केट वगैरह और लेनी, बास्केट में आराम से बैठ कर चला जाएगा। और गाइस किंकी टेल को छोड़ने के लिए ये देखो कितने सारे डॉग्स आ रहे हैं, ये वाला डॉग तो बिल्कुल ही बाइक के पीछे भाग गए, बस भगाओ। तो गाइस ले ली फाइनली बास्केट, अब आराम से बैठ कर चला जाएगा समय, अब एक बार भाई को स्टेशन पर और छोड़ कर आता हूँ। अब भाई थोड़ी बहुत देर से घुमाते फिराते हैं, फिर आराम से ट्रेन में बैठ कर जाऊंगा, ध्यान तो रखोगे भाई? हाँ भाई
जब इतने दूर ले आ रहे ध्यान तो खैर रखेंगे। और गाइस सामने काफी सारे पप्पीज घूम रहे, बीच वाले पप्पी को देखो कैसा घूर रहा उसे उत्तरी और बुढ़का भरा के उत्तरी डा दिया। तो गाइस अभी एक देसी पप्पी धीरे धीरे करके किंकी टेल के पास आ गया। गू कर रहा, नु कह रहा है मेरा इलाका है, तू कौन है? कौन है? किंकी टेल को बास्केट के अंदर छोड़ा था। और गाइस देखना कैसे पंजे मार रहा अपने कपड़े में, जगह बना रहा बैठने की, इसने अपना घर मान लिया से। बास्केट काफी बड़ी है, मतलब इसके बैठने लायक काफी बड़ी है, भोपाल तक बिल्कुल आराम से जाएगा। और गाइस भाई इतने दूर रेड किंग की वजह से आए, भाई को रेड किंग का पप्पी पालना था। भाई कितने किलोमीटर बैठ गया वहां से यहां तक? भाई 900 किलोमीटर हो गए टोटल। देख लो भाई की हिम्मत, 900 किलोमीटर दूर रेड किंग का पप्पी लेने के लिए आए। तो गाइस आके घर पे, और गाइस आते हमारे क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर मिल गए, देखना भाई कितने छोटे छोटे बच्चे। सिम्बा तो बिल्कुल बच्चों के जितना नहीं हो रहा, देखना भाई लंबा हो गया ना। और गाइस मेरे सारे के सारे डॉग्स इतने ज्यादा फ्रेंडली है, बच्चे आते कोली भर लेने की। सिम्बा को घोड़ा बना लिया, सिम्बा के ऊपर बैठ गए। सामने अपनी जोरा रानी को देखो कैसे बैठी, बिल्कुल केज के बाहर, नु कह रही बाहर निकाल देना। और गाइस हल्की हल्की धूप आ रही है अभी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बैठे सारे के सारे। केज भी यहाँ पे इसीलिए रखा था, थोड़ी बहुत देर धूप में बैठ जाएंगे, कांप रहे थे। मिस्त्रियों ने पूरा घर व्हाइट व्हाइट कर दिया, अब बाहर लगे पड़े। अरे वो कहाँ रह गया जो मेरे कुत्तों के फोटो बनाओगा? तू बनाओगा? अबे बनाने कलर का काम कंप्लीट होते ही इस वाली दीवार पे सारे कलर से फोटो बनवा दूंगा। चिंटू तेरा क्या हो गया? रोक को अंदर कर रखा ना, बार बार चिंटू मेरे पास आ रहा, मैं कह रहा हूं खुला छोड़ दे। चिंटू एक बार मेरे पास आवे, एक बार रोक के पास जावे, नु कह रहा है सब बाहर निकाल दे। हां सिम्बा बाहर निकाल दो, तब ही चिंकी मिंकी भी जाली। और गाइस अपने हाथ में पट्टा लिया ही था, सारे के सारे रेडी हो गए। रोक्सी तो भोंक रही, नु कह रही जल्दी आ। ओए सिम्बा के बच्चे अकेला जाओगे? रख रख रोक भी आ गया, रोक यहां को आ गया निकल के। बट भाई रोक और सिम्बा को एक साथ नहीं ले जा सकता, आज मैं अकेला ही हूं, दोनों के दोनों मेरी बैंड बजा दे। सारे के सारे मुझे ही भोंक रहे, नु कह रहे जल्दी आ, इंतजार नहीं हो रहा। सिम्बा तो दो तीन बार चक्कर ही मारिया, नहीं जाता। सारे के सारे मिल गए गली में मेरी बैंड बजाने वाले। अब भाई एक बार इन्हें ठीक ठाक खेत में ले जाऊं तभी मिलूंगा। चिंकी तू तो यहीं रह लेती। एक सामने ट्रैक्टर गया था, जाता जाता सारे मेरे को पाउडर छोड़ गया। मेकअप करूंगा तेरा, बता कहता हूँ फ्री करवा दूंगा। सामने से एक बाइक आन लग रही अपना मेकअप करवा के। और गाइस सारे के सारे डॉग्स मन ना खुले छोड़ रखे, कोई ना देख डर वरना जा। वैसे तो भाई किसी को कुछ कहते नहीं, बट भाई फिर भी डर तो लग ही है इतने सारों को देख के। बात तो सही है, सभी को लेकर थोड़ा आगे चलता हूँ, यहाँ पर बाइक वगैरह चल रही ना। और गाइस आज इन्होंने मेरी गली में ऐसी बैंड बजाई ना, कोको तब भी मुझे गोल गोल घुमारी पट्टे में, इस आगे चल गई खुला छोड़ दूंगा। वैसे गली में लाने में दिक्कत नहीं है, बट भाई जब सामने से सारे के सारे डॉग्स भोक के ना फिर दिक्कत हो गए। सिम्बा और कोको पूरे जोर लगा हुए। सिम्बा के बच्चे बाहर निकल, सिम्बा तो घुस गया पानी में। चिंटू तू तो खैर लगा रहे, गजब बेइज्जती है। ओए चिंटू के बच्चे तू कहां भाग गया? चिंटू भाग गया, सामने क्या आए वे पक्षियों के पीछे भाग गया। चिंटू तेरे ना आता वाले को कुरानी को भी खुला छोड़ दिया। और गाइस अगर आज इनके सामने कोई दुश्मन आ गया, सारे के सारे डॉग्स एक साथ यूनिटी बना ले, इन्हें पता मिलकर अटैक करने में कोई आओ सबको ढेर कर देंगे खत्म। चिंटू सभी को एक साथ करके अटैक करवाऊंगा, जंगली हो गया ना, इसे पता एक साथ यूनिटी बना के किसी की भी बैंड बजा सके। पहला हमारा चिंटू अकेला था, हमारी गली में पता नहीं कौन कौन सी प्रजाति के डॉग आया करते, बट भाई जब से दो हुए चिंटू और जूली कोई सा डॉग नहीं आता, डॉग सारे के सारे गायब हो गए। कहां जा लिए वे? एक के अंदर जा लिए। ओए सिम्बा के बच्चे रोक्सी तो आ गई, बाकी कहाँ जा लिए? इन्हें सभी को लेकर घर पे चलूंगा। ला चिंटू सारे के सारे दूर दूर निकल गए। कोको तो आली सामने से, कोको और सिम्बा को तो बांध लेता हूँ घर पे लेकर जाऊंगा। आजा भाई कोको, बहुत देर घूम ली। जब तक चिंटू बाहर नहीं आने का निकल गए, सारे के सारे ऐसे ही भटके जाऊंगे। यो आलिया चिंटू। ओए चिंटू के बच्चे तू फिर भाग गया, वो भाग गए सारे के सारे। गुड बाय चिंटू, यहाँ इसे चिंटू को पकड़ लो। चिंटू रुक जा। और गाइस अपनी कोको को देखो घर पे आते ही पैर फैला के लेट गई ठंडक में। और गाइस आज के व्लॉग के एंडिंग यहीं पे करता हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।